तू किस पांडू की बात कर रही है? वो पांडू जो खुद गरीबी में रह रहा है और तुझे भी उस गरीबी की हालत में रख रहा है, और आखिर में वो तुझे दे क्या सकता है? तुम जिंदगी भर यूं ही चूल्हों पे खाना बनाती रहोगी और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। अगर तुम चाहो ना रानी, तुम इस घर की रानी जरूर बन सकती हो। अरे पगली, का हुआ, का सोच रही हो? कोनो टेंशन भाका तो के? चलो सो जाओ, सुबह उठ के काम भी तो करना है। चलो सो जाओ।
अरे रानी, क्या है ये सब? और क्या हुलिया बना के रखा अपना ये? और इतने छोटे कपड़े तूने पहने, कुछ शर्म आ रही है? और साहब जी के कमरे में क्या कर रही है तू? अरे मालिक आएंगे तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? चल 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 चल, उठ, फटाफट कपड़े उतार। छी, चल। ए पांडू, आज से मैं तेरी बीवी नहीं, तेरी मालकिन हूँ। तेरी मालकिन हूँ। क्या मालकिन? अरे तू पागल हो गई क्या? लगता है रानी तेरा दिमाग खराब हो गया। चल चल यहाँ से, कपड़ा चेंज कर। पांडू, तुम यही सोच रहे थे ना कि ये सब कैसे हुआ? अब तो देख लिया ना, अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि मैं इस घर की मालकिन हूं। सुन पांडू, ये जो रानी है ना, आज से ये तेरी बीवी नहीं, तेरी मालकिन है। ये जो ऑर्डर देना उसे तुझे मानना पड़ेगा। समझ में आई बात? और हाँ, अगर तू काम करना चाहता है ना तो बेशक कर सकता है, वरना तेरी मर्जी, तू जा सकता है। चल अभी निकल। अरे देखने दो ना, अगर देखना चाहता है तो। वैसे भी इसको सब कुछ पता चली गया है। जाते समय दरवाजा बंद करके जाना। आज से मैं तेरी बीवी नहीं, तेरी मालकिन हूँ। ये जो रानी है ना, आज से ये तेरी बीवी नहीं, तेरी मालकिन है। बीबी और वो, उस कमीने ने आपकी बीवी के साथ इतना गलत किया, फिर भी आप चुप रहे? आखिर मैं करता भी क्या, उसने भले मेरी बीवी के साथ गलत किया हो, पर गलत तो मेरी बीवी भी थी, उसने भी तो साथ दिया उसका। और मैं करता भी क्या, वही किया जो हमेशा से करता आ रहा था, उनकी गुलामी। क्या बात है कमला, आज तो बड़ी कमाल लग रही हो। आज तो ये रानी सचमुच रानी लग रही हो तुम। ये सब आपकी मेहरबानी है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपने चाय नाश्ता किया या नहीं? तुम्हारा वो पांडू सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। चाय पानी पिलाने के लिए कोई है ही नहीं। ये पांडू भी ना दिन ब दिन निकम्मा होता जा रहा है, अभी देखती हूँ मैं उसे। पांडू, सुबह के 9 बज रहे हैं और ये पांडू अभी तक सो रहा है, देखती हूँ इसे मैं। पांडू उठ, पांडू इसको सुनाई नहीं दे रहा ना।
ए पांडू, पांडू टाइम देख रहे हो तुम? सुबह के 9 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है। और घर में कितना काम पड़ा है वो कौन करेगा? चलो उठो। क्या उठो जल्दी, और पहले जाके सांप को चाय दो। उठो निकलो, चलो जाओ जल्दी। निकम्मा कहीं का। पांडू, मैंने तुझे क्या सिखाया था कि ये आज के बाद रानी नहीं तेरी मालकिन है? जी मालिक। इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं उतरती। और ये मैं क्या सुन रहा हूं कि आजकल तेरी बड़ी शिकायत आ रही है कि तू कोई भी काम ढंग से नहीं कर रहा है। बोलता क्यों नहीं? मालिक, आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देख पांडू, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक बात कान खोल के सुन लेना, अभी के अभी तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा मैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सब। आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। ठीक है मालिक, आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, चल जाके काम कर। डार्लिंग चाय लो ना। वैसे पांडू चाय बहुत अच्छी बनाता है। आखिर पति किसका था? वो बात तो है। आज से मैं तेरी बीवी नहीं, तेरी मालकिन हूँ। ये जो रानी है ना, आज से ये तेरी बीवी नहीं, तेरी मालकिन है। रानी, तुम्हें पता है कि मैंने गोवा की टिकट बुक कर लिया हूं। हम दोनों अगले हफ्ते गोवा जा रहे हैं और वहीं पे हम लोग इंजॉय करेंगे। रानी, रानी क्या हुआ? रानी, रानी, रानी हो क्या गया तुम्हें? पांडू नहीं, रानी, रानी तुम्हें, अरे पांडू, ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, और तुमने इसकी चाय में क्या मिला? क्या पूछा तूने? मैंने चाय में क्या मिलाया था? मैंने चाय में वही मिलाया था जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में मिलाया था। क्या सोचा था कि पांडू कांडू है, बेवकूफ है, बुद्धू है, पागल है? अरे अरे, तुम लोगों ने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। हा? और रानी तू क्या कह रही थी तू अपने आप को? महारानी?
मालकिन, मालकिन बनेगी तू? अरे तेरी औकात है मालकिन बनने की? साली मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब तू रात को अचानक उठ के गई थी। तुम दोनों के कांड मैंने उसी दिन देख लिए थे। रानी, अरे ये रानी कहाँ गई? ये इतनी रात को रानी कहाँ चली गई? तभी मैंने सोच लिया था कि इस चीज का बदला मैं तुम दोनों से लेके रहूंगा। अरे रानी, कितना प्यार करता था मैं तुमसे। अरे कितने सपने देखे थे हम लोगों ने कि हमारा भी एक छोटा सा घर होगा, हमारी दुनिया होगी। लेकिन रानी, तुमने सब चकनाचूर कर दिया और रानी एक पल में सब कुछ बिखर गया। चंद दौलत की खातिर, झूठी शान और शौकत के खातिर मेरे प्यार को नीलाम कर दिया तूने। रानी ये क्या कर दिया तूने? रानी ये क्या कर दिया? लेकिन बस अब नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अब मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही जीऊंगा। और साले तुम दोनों ना ऐसे ही मरो। इस पांडू के साथ धोखा करने वाला इस दुनिया में जी नहीं सकता। ये पांडू अब इस घर का नौकर नहीं। इस घर का मालिक है मालिक। पर साहब, आपने जो भी किया ना एकदम सही किया। उस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पता नहीं कितनी और लड़कियों के जिंदगी के साथ खेला होगा वो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कल से काम पे आओगी या नहीं आओगी? हाँ साहब, आएगी ना, जरूर आएगी। तो बता कब से आ रही है? साहब आप बोलो तो मैं कल से ही आ जाती हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना तुझे? नहीं नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से आ जाना काम पे। हाँ मैं कल से यहाँ आ जाऊंगी।